हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो? आज आपको ले चलते हैं रामपुर बुशहर के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का दूसरा दिन है। सो फ्रेंड्स, तो मैं चली गई हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चरों के प्रदर्शनी के देखने के लिए। तो यहाँ देखिए, एग्रीकल्चर वालों ने, हॉर्टिकल्चर वालों ने यहाँ देखिए किस तरह का प्रदर्शनी लगाया है। वाओ, अनेक प्रकार की सब्जियाँ, मटर, सारी सब्जियाँ अलग अलग है, ब्रोकली है, खीरे हैं, मूली है, इतने अच्छे वैरायटी है, टमाटर, इतने अच्छे से सजाया हुआ प्रदर्शनी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो को आप देखते रहिए आगे आगे। ये देखिए ब्रोकली को किस तरह इन्होंने गमले में सजाया हुआ है, और कोदा देखिए, कोदा भी जड़ से उखाड़ कर लाया है। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे हमारे जो हिमाचली पहाड़ी कल्चर के, जो हमारे पहाड़ी में, पहाड़ी क्षेत्र में उगाया जाता है अनाज, तो भरपूर सारे अनाज है, कोदा, चौलाई, तुलसी, मुझे तो ज़्यादा ना कावनी, कोई इतना ज़्यादा नाम आता नहीं है। और यहाँ देखिए सारे पूरे अनाज यहाँ पे लाए गए हैं। हम मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अभी तक भी इस अनाज को लुप्त नहीं किया गया है, बरकरार रखा है, चलाया गया, सबके पास मिलता है। तो यहाँ देखिए तुलसी और इनको इस तरह से लाया गया है। और यहाँ देखिए लौकी, घिया तोरी कितने बड़े बड़े हैं, कद्दू बहुत ही बड़े तरीके से सजाया गया है, आलू, तो आप देख सकते हो प्रदर्शनी किस तरह से लगाया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इस प्रदर्शनी को देखकर बढ़िया लगा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में ये देखिए जौ मटर यहाँ देखिए यहाँ पे उगाए गए हैं, कांटेदार, ये देखिए आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर देखिए गेहूँ चना मटर, सॉरी जौ नहीं है, गेहूँ चना मटर है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने तैयार किया हुआ है, तो इन्हीं के सहायता से हम लोग सब कुछ अनाज तैयार करते हैं। ये हमें बीज प्रदान करते हैं एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, तो इनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ देखिए इनके पास सब कुछ अभी तक भी बरकरार है। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें कि लवी का दूसरा दिन है और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वालों के प्रदर्शनी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय।